चलिए आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं आज के एएलपी टेक्नीशियन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो देखिए, आज रीजनिंग में आपका पूछा गया कैलेंडर से क्वेश्चन, फिर पूछा गया डायरेक्शन से क्वेश्चन, फिर शैडो बेस्ड क्वेश्चन था, फिर लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन था, एजम्पशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंक्लूजन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान दे देंगे, कथन से क्वेश्चन 4-5 पूछे जा रहे हैं, फिर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर एज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैथ की बात कर लूँ तो मैथ में भी बहुत सिंपल सिंपल सा आ रहा है, जैसे कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्गमूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, परिमेय संख्या कौन है, नहीं है, रूट वाला जो होता है ना, वो सारे क्वेश्चन, फिर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एसआई सीआई ये सारे क्वेश्चन आए हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन भी इनमें देखा गया। अब वर्गमूल देखिए, यहाँ पर बहुत आसान सा ये था, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बात कर रहा था। और देखिए ये सवाल आए हुए हैं, ये मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है। और ये भी देखिए ज्योमेट्री का कई क्वेश्चन, ये भी सवाल आ चुका है, तो बहुत ही आसान आसान सवाल था दोस्तों, बहुत अच्छा रहा एग्ज़ाम आज का फर्स्ट शिफ्ट वाला। अब देखिए मैं बात करूँ अगर जीके और जीएस की, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल नहीं के बराबर पूछा गया था, ये याद रखेंगे, न्यूमेरिकल फर्स्ट शिफ्ट में अभी नहीं पूछा गया है, शायद आगे पूछे तो रब जाने। अब देखिए यहाँ रैंडम थी सारा सीरीज, हाँ ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि प्रश्न मतलब किस टाइप के था, पहले मैथ बनाना था कि पहले जीएस बनाना था, तो इस तरह नहीं था, रैंडम था, कभी भी कोई सा क्वेश्चन आ जा रहा था, मैथ मैथ और रीजनिंग ले लो या जीएस ले लो, सब मिली जुली क्वेश्चन था अब देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लो और ध्यान दो कि तुक्का ना मारो, क्योंकि तुक्का मारोगे तो आपका सरासर गलत ही जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और मैं बता दूं आपको कि अटक रहे हैं आप जब भी किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको एकदम छोड़ ही दो, बिल्कुल ही मत बनाओ। आपका अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 50 भी सही सही चला जाता है तो इट्स एनफ, बहुत है ये। आप मतलब कि किसी क्वेश्चन में आप उलझ जाते हो तो ये 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकती है आपको, और आप जो कि अगले क्वेश्चन को नहीं पहुंच पाओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट का शिकायत आ जाएगा, तो इस चीज़ से आप बचो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये मेंशन करा रहा हूँ। अब देखिए मैं बात करूँ अगर जीएस की, तो देखिए जीएस में क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ही सिंपल सिंपल, जैसे आया देखिए हड्डियाँ जुड़ी रहती है किससे, तो ये देखिए टेंडन से जुड़ी रहती है, इंसुलिन की खोज किसने की थी तो बेंटिंग एंड बेस ने किया था, टॉर्च में मिरर किस तरह होता है, प्रतिरोध का यूनिट पूछा गया था। और देखिए करेंट अफेयर्स और जीके जीएस की मैं बात करूं तो ये सब भी देखिए मॉडरेट था, है ना। वर्ल्ड का इंटेक्स मैं आपको बता चुका हूँ, इंटेक्स मैंने आपको क्लास में भी बताया और मैंने इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया था। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत इंडिया का देखिए रैंक कितना था, तो 133 था। विटामिन ई का केमिकल नेम पूछा है, ब्लड प्रेशर पूछा है, और फिर देखिए यहाँ पर करप्शन में इंडेक्स का स्थान कितना रहा इंडिया का, ये भी पूछा है। जुपिटर मून रिवेंटली ये कितने हैं, ये सब पूछे हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। देखिए एग्जाम बैरियर एक पुस्तक का नाम है, तो एग्जाम बैरियर जो कि नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिखा गया किताब के बारे में पूछा है। आगे देखिए लिखा हुआ मलेशिया का कैपिटल क्या है, तो देखिए मलेशिया के कैपिटल के बारे में पूछा गया, गवर्नर ये सब पूछ सकते हैं ना, किसी राज्य के गवर्नर, तो ध्यान दे देंगे ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। देखिए आगे मिलेगा आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिया, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक 2018 मतलब किसने जीता, तो देखिए 2017 वाला भी और 18 वाला भी सब रोजर फेडरर को चले जाता है, तो ये सब मैंने सब करवाया है। नोबेल लिटरेचर अवार्ड देखिए यीशु गुरु को मिला है, फिनांस मिनिस्टर अभी कौन है, तो पीयूष गोयल है, क्योंकि अरुण जेटली जो थे उनकी तबीयत अभी ख़राब है। तो देखिए नागालैंड के सीएम पूछा गया है ना, बता रहा था नागालैंड के सीएम की बात कर रहा था, तो देखिए ये भी याद कर लेंगे आप। पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तमिलनाडु का गवर्नर देखिए आया, इलाहाबाद के एमडी सीईओ के बारे में क्वेश्चन पूछा, फिर कॉमनवेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे गए, फिर देखिए विटामिन B12 का केमिकल नेम पूछा है, तो देखिए केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है, दो दो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसा कि मतलब सिलोगिज्म से आ रहे हैं, देखिए 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीरियडिक टेबल से। देखिए एक क्वेश्चन था यहाँ कि 1 kWh का मतलब कि हॉर्स पावर कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये वीडियोज में बताया था, और मैं सेकेंड शिफ्ट वाला भी आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो बाकी है तो वो देने जाएं और अच्छा रहे, बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी ओर से, ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।